हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैंप टीवी पे। बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत से इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ लिए हमने। आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर हमें मेन एक्चुअल में ये जो टॉपिक है वो हमने सेकंड लेक्चर के अंदर सीख ही लिया है। आपने एटॉमिक मास सीखा, आपने मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से फाइंड करते हैं वो सीखा, लेकिन एक छोटी चीज वहां पर पढ़ाई रह गई थी, वो था एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को लेके भी क्वेश्चंस आते हैं और एटॉमिक मास यूनिट का जो कंसेप्ट है वो कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हुआ था, तो उनके मेरे पे मैसेज आए थे कि सर एटॉमिक मास जरा ले लीजिए। तो मैं एटॉमिक मास आज उसके साथ लेने वाला हूं और साथ में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एम्पिरिकल फॉर्मूला। मेन हमारा टॉपिक आज का जो है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला रहेगा। उससे पहले हम एटॉमिक मास यूनिट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले टाइटल लगाइए, एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन एटॉमिक मास यूनिट आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि आज से कई साल पहले, अभी तो जैसे कि हमारे पास स्पेक्ट्रोग्राफ है, क्लियर ना, कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट का मुझे अगर मास ढूंढना हो, क्लियर ना, आप जैसे कि कोई भी एटम को लिखते हैं, फॉर एन एग्जांपल आप लिख रहे हो सोडियम को, तो आप सोडियम को ऐसे लिखते हो 11 सोडियम 23, जहां पे 23 उसका मास नंबर कहा जाता है, क्लियर ना, या तो एटॉमिक मास कहा जाता है और ये जो है वो उसका एटॉमिक नंबर कहा जाता है, क्लियर ना, ये एटॉमिक नंबर कहा जाता है, ये एटॉमिक मास कहा जाता है और बीच में हमारा जो है वो एलिमेंट रहता है, क्लियर ना। तो एटॉमिक मास यूनिट जो है वो एक्चुअल में यहां पे जो ये 23 आप देख रहे हो वो 23, अभी तो हमारे पास स्पेक्ट्रोग्राफ नाम का हमारे पास एक स्पेसिफाइड हमारे पास इक्विपमेंट है जिसकी मदद से हम क्या जान लेते हैं, उसका एटॉमिक मास यूनिट जान लेते हैं, क्लियर। पर कई सालों पहले ऐसे जब कोई हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे तब हम क्या करते थे, किसी को रिलेशन में रखते थे इसको कैलकुलेट करने के लिए, मास को कैलकुलेट करने के लिए हम रिलेट करते थे कोई दूसरे मास को, यानी कि हमारे पास जितने भी एटम थे वो सारे एटम को हम क्या करते थे, कोई एक प्रॉपर, वो सारे एटम में से कोई एक प्रॉपर एटम को, कोई एक प्रॉपर एलिमेंट को हम क्या चुन लेते थे कि भाई ये जो है उसके रिलेशन में बाकी सबके मास ढूंढे जाएंगे, क्लियर ना। हम बाजार में कोई चीज लेने जाते, हमने पहले लेक्चर में भी बात की मोल कॉन्सेप्ट के अंदर कि हम जो कहीं पे भी कोई भी चीज लेने जाते हैं तो वहां पे भी हमारे पास क्या होता है, वो रिलेशन रखता है, क्लियर ना। एक जैसे कि मैं 5 किलो आलू लेने जा रहा हूँ, क्लियर, तो 5 kg आलू जब मैं लेने जाऊंगा तो वो सामने 5 kg का भाट रखेगा जो कि फिक्स है, क्लियर, हमें वो रिलेशन रखेगा, वो सामने रिलेट करेगा एक बाट के साथ हमारे सामान को, क्लियर। सेम थिंग किसी भी एलिमेंट के मास नंबर, किसी भी एलिमेंट के मास नंबर यानी किसी भी एलिमेंट के मास को ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, पहले रिलेशन रखना पड़ता था, वो रिलेशन जो रखना पड़ता था तब केमिस्ट ने, तब अलग अलग प्रकार के जो साइंटिस्ट थे, केमिकल साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया था, ये AMU को इजाद किया था, क्या किया था, उस टाइम के AMU को, उस टाइम के अंदर AMU के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि हमारे पास जितने भी हमारे पास एलिमेंट है वो एलिमेंट में से कार्बन एक ऐसा एलिमेंट, सबसे पहले हाइड्रोजन की बात की गई थी कि हाइड्रोजन को हम रखेंगे कि भाई मेन आइडेंटिफिकेशन हाइड्रोजन का रहेगा और उसकी कंपैरिजन में हम क्या करेंगे, हम दूसरे एलिमेंट के मास को ढूंढेंगे, नहीं, बट वो ज्यादा एक्सेप्ट हुआ नहीं। देन आफ्टर कार्बन को लिया गया और वो बहुत इफेक्टिव रहा, कार्बन जो है वो फिक्स्ड रहा, इसीलिए कार्बन 12 उसका मास नंबर है, कार्बन 12 मास नंबर इन द सेंस उसका जो मास है ग्राम के अंदर जो मास है किसका कार्बन का, वो कार्बन 12 को स्पेसिफाई कहा गया कि भाई कार्बन 12 उसकी कंपैरिजन में, कार्बन 12 की कंपैरिजन में डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स के मास को कैलकुलेट किया गया, क्लियर ना, एज कंपेयर किसके साथ कंपेयर किया गया, कार्बन के साथ, पहले हाइड्रोजन के साथ किया गया था लेकिन वो इतना एक्सेप्टेबल हुआ नहीं, ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ, तो कार्बन को लिया गया, क्लियर। कार्बन 12 जो है उसका जो 12 जो है उसका मास है, कार्बन 12 जो है उसको क्या किया गया, एक स्पेसिफाइड अमाउंट बोल दिया गया कि कार्बन की कंपैरिजन आप करोगे बाकी सब के एलिमेंट, बाकी सब जितने भी एलिमेंट हमारे पास है वो सारे एलिमेंट का मास ढूंढने के लिए, रेडी। अब समझिए एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उन लोगों ने क्या एज्यूम किया, साइंटिस्ट ने क्या एज्यूम किया कि कार्बन 12 एटम जो है, समझिएगा,
कार्बन 12 एटम है उसको कैलकुलेट करने के लिए, कार्बन 12 एटम जो है उसको उसका जो मास है उसका मास कैलकुलेट यानी कि उसका वेट कैलकुलेट करने के लिए, समझिएगा उसका वेट कैलकुलेट करने के लिए क्या किया उन्होंने कि भाई एक चीज उन लोगों ने एज्यूम कर ली कि भाई कार्बन 12 स्पेसिफाइड कार्बन 12 का मास कैलकुलेट करने के लिए उन लोगों ने क्या बोल दिया कि भाई कार्बन 12 जो है उसका मास हम कितना लेंगे 12 mu, कितना लेंगे 12 amu, कितना लेंगे 12, ये खास ध्यान रखिएगा, ये चीज उन लोगों ने क्या थी एक्सेप्ट कर ली, 12 amu जितना मास किसका कार्बन का 12 कार्बन 12 का कितना जो मास है कितना लिया गया 12 amu जितना फिक्स कर लिया गया कार्बन 12 एटम जो है वो कार्बन 12 एटम को कैलकुलेट करने के लिए क्या दिया गया उसका जो मास है वो फिक्स कर लिया गया कितना 12 amu। अब एक और बात आपके दिमाग में आ रही हो कि सर कार्बन ही क्यों, दूसरा एलिमेंट क्यों, तो एक्चुअल में इसको लेके भी बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे बुक्स के अंदर अलग रीजन लिखे हैं, लेकिन इसके मेन 4 रीजन थे, वो रीजन यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ, वो जो 4 रीजन थे उसमें से जो मेन रीजन है वो ये है कि भाई इनका जो कार्बन की जो रिएक्टिविटी है रिएक्टिविटी ना तो बहुत कम थी ना तो बहुत ज्यादा थी, यानी कि ना तो वो लीस्ट रिएक्टिव था और ना ही वो मोस्ट रिएक्टिव था, मतलब कि वो नॉर्मल रिएक्शन करता था हर एक के साथ, नॉर्मल रिएक्ट करता था, क्लियर। तो सबसे पहले तो ये दोनों रीजन थे जिसकी मदद से कार्बन को लिया गया कि भाई कार्बन एक ऐसा रहेगा एटम जिसको हम क्या करेंगे जिसके मास की मदद से हम क्या ढूंढेंगे दूसरे एलिमेंट के मास ढूंढेंगे। और एक बात थी कि कार्बन के जो आइसोटॉप्स है वो बहुत कम थे, कार्बन के आइसोटॉप्स क्या थे बहुत कम। एक्चुअल में हम देखने जाए तो ग्रेफाइट और डायमंड, ग्रेफाइट डायमंड एंड फुलरिन, ये तीन जो कार्बन के एटम हमारे है कार्बन के जो एलोट्रॉप है वो एक्चुअल में हमारे पास है, लेकिन उसके जो आइसोटॉप है प्रॉपरली गिनने जाए तो कार्बन के आइसोटॉप दो ही मिलते हैं, 6 कार्बन 12 6 कार्बन 14, पर उसमें 6 कार्बन 14 जो है वो बहुत ही लेस अबाउंडेंस में मिलता है, क्लियर। तो आइसोटॉप जो है वो उसके क्या थे बहुत कम थे, एक रीजन ये भी था कि कार्बन को लिया गया, और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था ये वो था उसका अबाउंडेंस फॉर्म, मतलब कि कार्बन की जो अवेलेबिलिटी है वो इजी आसानी से मिल जाती थी, क्लियर ना। कार्बन की अवेलेबिलिटी किसी भी जगह पे अर्थ क्रस्ट के अंदर देखो या किसी भी जगह पे कार्बन आसानी से अवेलेबल हो जाता था, क्लियर। तो ये 4 रीजन मेन थे, जिसकी मदद से हमें क्या लिया, हमने कार्बन 12 को मेन गिना कि भाई कार्बन एक ऐसा एलिमेंट हम लेंगे जिसकी कंपैरिजन करके हम क्या करेंगे दूसरे अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स को गिनेंगे, क्लियर, ध्यान रखना खास, रेडी। अब आगे बढ़ते हैं, कार्बन 12 एटम जो है वो कार्बन 12 एटम का मास कैलकुलेट करने के लिए इन लोगों ने क्या कर दिया, कोई 12 amu फिक्स कर दिया कि कार्बन 12 एटम का मास क्या, कार्बन 12 एटम का मास, यानी कि इस बात को नोट कर दिए खास, मास ऑफ कार्बन 12 एटम क्या, मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज फिक्स्ड 12 amu। अब इसके अंदर हमें एक्चुअली में amu के बहुत सारे फॉर्मूला पढ़ने हैं, उसमें से एक फॉर्मूला मैं यहां पे आपको कैलकुलेट करवाऊंगा। सबसे पहले तो ये जो 12 amu है वो समझ लीजिए क्या है, वो 12 एटॉमिक मास यूनिट, क्या है 12 एटॉमिक मास यूनिट। फिलहाल कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर फिलहाल हम यू से भी इंडिकेट करते हैं, हाँ हाँ, तो यू से भी इंडिकेट किया जाता है, क्लियर, उसको हम क्या कहते हैं यूनिफाइड मास, फिलहाल हम उसको क्या कहते हैं यूनिफाइड मास, उसको पहले एटॉमिक मास यूनिट कहते थे, उसको क्या कहते हैं यूनिफाइड मास, क्लियर। तो हम इसके फर्दर फॉर्मूला पढ़ेंगे, ये आपका बेसिक है किस तरीके से कार्बन को लिया गया, लेकिन इसके दूसरे कुछ फॉर्मूला जो मैं आपको डिराइव करवा देता हूं जो काम में आएंगे आपके, फिर हमारा मेन टॉपिक एम्पिरिकल फॉर्मूला चालू करते हैं। लेकिन सर स्क्रीनशॉट ले लो उससे पहले फटाफट से, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, हमने ये चीज सीख ली कि मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 12 amu, क्लियर ना, 12 amu ऐसा हमने सीख लिया। तो अब इसके ऊपर से एक चीज आप सोचिए, ये हमारा मेन बात है कि भाई ये चीज क्या हुआ था, ये चीज
एज्यूम कर ली गई थी साइंटिस्ट के थ्रू कि भाई पर एएमयू जितना मास, क्योंकि कार्बन को क्या कर लिया गया, कार्बन को एक स्पेसिफाइड एलिमेंट बना दिया गया जिसकी कंपैरिजन में हम दूसरे मास ढूंढेंगे, रेडी। सो सोचिए 1 एएमयू इज इक्वल टू कितना होगा, 1 एएमयू इज इक्वल टू, सीधी बात है, मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइड बाय 12 हो जाएगा, सिंपल ना, क्या 1 amu is equal to mass of carbon 12 atom divided by 12 हो जाएगा, सही ना? क्यों? देखिए ये 12 amu दिया है, उसमें मुझे amu को क्या करना है, सब्जेक्ट बना, तो 12 divided by चला जाएगा, amu मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 तो होगा, so 1 amu is equal to mass of carbon 12 atom divided by 12, clear? समझ में आई बात? तो amu का ये first formula हुआ, पहला formula 1 amu का पहला formula बन गया, ये 1 atomic mass is equal to mass of carbon 12 atom 1 divided by 12, clear? इस चीज को, इस फॉर्मूला को क्या कहा जाता है, एजम्पशन। ये फॉर्मूला एक्चुअल में एज्यूम किया गया था, मतलब कि ये चीज एज्यूम की गई उसके ऊपर से ये फॉर्मूला बनाया गया था, रेडी। अब एक और बात मुझे आप लोग बताइए कि कार्बन का जो मास होता है, कार्बन 12 उसका जो मास होता है, मास वो कितना होता है एक्चुअल, हम ग्राम में लिखने जाए तो 12 ग्राम पर मोल लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं 12 ग्राम पर मोल अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, हम आप लोग जानते हैं, डिवाइड में उसको हम यूनिट लेते हैं, सो 1 मोल पर मोल है ना, पर मोल ग्राम पर मोल, 1 मोल के अंदर 12 ग्राम, ऐसा लिखते हैं ना क्या, 1 मोल के अंदर कितने 12 ग्राम। अब समझिए मैं तो 1 amu की बात कर रहा हूं, मतलब कि मुझे तो एक ही एटम चाहिए, तो एक समझिएगा क्या, एक मोल के अंदर कितने हैं 12 ग्राम है, लेकिन मुझे मोल नहीं चाहिए, मुझे एटम चाहिए, तो वन मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी एटम, आप लोग जानते हो 6.0622 इनटू 10^23 एटम ना, क्लियर ना, 6.0223 एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम, वन मोल इज इक्वल टू, बट मुझे जरूरत कितनी है एक एटम की, तो अगर 6.022 into 10^23 atom is equal to 12 gram, then one atom is equal to how many? Then one atom, calculation है, समझिएगा, calculation बहुत easy है, उसके ऊपर से AMU calculation करना, ये इसलिए बच्चों को समझ में नहीं आता, क्योंकि थोड़ा इस तरीके का topic है, जिसके अंदर calculation बहुत main रहता है, so one atom के लिए कितना हो जाएगा 12 divided by 6.022, so again one atom के लिए क्या हो जाएगा, 1 atom के लिए 12 divided by 6.022 into 10^23 particle per atom, clear ना? So यहाँ पे और formula derive हो गया किसका, amu का, 1 atom in the sense 1 amu is equal to how many, 12 divided by, ये तो क्या है मेरा Avogadro number है ना, ये तो क्या है Avogadro number, so 12 divided by n, 12 divided by 10, चलिए समझ में आई बात, क्लियर, 1 amu is equal to, ये मेरा दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हो गया, 1 amu का क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे, दूसरा एक फॉर्मूला डिराइव हो गया, आ गया, क्लियर, यानी कि हमने amu की मदद से, हमने क्या कर दिया, amu की मदद से ये चीज जान ली कि किस तरीके से हम Avogadro नंबर कैलकुलेट करते हैं, 1 amu is equal to, sorry माफ कीजिए, किस तरीके से एटॉमिक कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं, 1 amu is equal to 12 upon Avogadro number, रेडी ना, अब Avogadro number एक्चुअल में मेरे पास ऑलरेडी है, तो 1 amu is equal to 12 upon Avogadro number, क्या 12 upon Avogadro number 6.022 into 10^23 particle, क्लियर, ऊपर मेरे पास ऑलरेडी 12 है, क्यों, क्योंकि ये 12 ग्राम मुझे पता था कि उसका जो मास है वो 12 ग्राम है, क्लियर, तो इसको मैं अगर कैलकुलेट करूंगा, Avogadro number की वैल्यू रख दूंगा, सारी प्रॉपर्टीज और सारे कैलकुलेशन वहां पे करूंगा, तो मुझे एक और चीज यहां पे कैलकुलेट होते होती मिलेगी, और 1 amu is equal to, ये तो ग्राम है और ये तो Avogadro number है, ग्राम पर मोल, ग्राम पर काटो के सीधा मुझे amu मिल जाएगा, ग्राम पर amu है ना ये तो सीधा, क्लियर, तो आप उसकी जब कैलकुलेशन करोगे, यहाँ पे 12 रखोगे, यहाँ पे 6.022 इनटू 10^23 पार्टिकल रखोगे, ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसको कट करोगे तो वो पूरा कैलकुलेशन होके आएगा 1.66 इनटू 10^-24 ग्राम, तो इस बात को भी खास ध्यान रखना, 1 amu इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है,
ये चीज जो है, ये चीज वो भी एमसीक्यू के अंदर आती है। खास ध्यान रखिएगा क्या कि भाई 1 mu इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, 1 mu इज इक्वल टू 1.66 * 10 टू 24 ग्राम, इस बात को खास ध्यान रखना, ठीक है। सो ये तीन फॉर्मूले हमारे मेन रहेंगे, mu, 1 mu इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नंबर 12, 1 mu इज इक्वल टू 12 बाय अवोगाड्रो नंबर, एंड इन द सेंस इन द केस ऑफ ग्राम, हमें ग्राम में अगर mu को ढूंढना है तो 1 mu इज इक्वल टू 1.66 * 10 टू -24, क्लियर। सो हमें इसके ऊपर से एटॉमिक मास यूनिट का आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला आपने अब तक जो भी है एटॉमिक मास यूनिट का फॉर्मूला, इवन 9th में जो आया था एटॉमिक मास यूनिट का, जो 10th में फॉर्मूला आया था, वो चीज आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो क्या कि 1 एटॉमिक मास यूनिट या तो एएमयू इज इक्वल टू मास ऑफ पर्टिकुलर एटम, मास ऑफ एटम इन ग्राम, mass of atom in gram divided by हमारा जो reference है, reference क्या है, जो हमने पहले lecture में सीखा कि हर वक्त किसी का भी हम अगर relation रखते हैं, मैंने कहा ना कि atomic mass को relatively calculate किया जाता था, तो ये हमारा relation रहेगा कि 10^-24 ग्राम पर mu, clear, वो mu पर चला जाए ग्राम कट हो जाएगा, clear, ये जो है वो क्या है ग्राम आ गया, जो हमारे पास ग्राम आ गया वो ग्राम, क्लियर, ग्राम कट होकर सीधा आ जाएगा हमारे पास एएमयू, रेडी। सो एएमयू को कैलकुलेट किया जाता है इसके बेसिस पे 1.66 × 10^24, क्लियर। जो भी मास आप ढूंढ रहे हो, जिस किसी का भी एटम का मास आप ढूंढ रहे हो, उसको क्या याद पर रख दिया जाता है, देन आफ्टर इसको कैलकुलेट किया जाता है। एक एग्जांपल देके आपको समझा देता हूं। एक्चुअल में जैसे कि हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली 1.67 समथिंग है, क्लियर, जो ग्राम में उसका जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली 1.67 समथिंग है। उसका मुझे ग्राम में मास तो पता है, लेकिन उसका मुझे एएमयू के अंदर मास ढूंढना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ एटम मतलब हाइड्रोजन एटम इन ग्राम, वो मैं यहां पे रखूंगा 1.67 समथिंग * 10^23 डिवाइड बाय 1.66 * 10^-24, इसको कैलकुलेट करते तो आंसर अप्रोक्सीमेटली आता है 1.07 समथिंग, और यही मास एएमयू के अंदर हाइड्रोजन का एक्चुअल में है, क्लियर, जो आप गिनते हो, जो आप लेते हो ना मॉलिक्यूलर मास लेते हो H2 का या हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, तो वो जिसको हमने एप्रोक्सीमेटली 1 लिया हुआ है, क्लियर, ये उसका एक्चुअल मास है। बस इसी तरीके से एटॉमिक मास यूनिट को पहले कैलकुलेट किया जाता था, ठीक है। तो खास ध्यान रखना एटॉमिक मास यूनिट का कांसेप्ट क्या है, रेडी, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फटाफट से एम्पिरिकल फार्मूला चालू करेंगे, वेरी जस्ट स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों टाइटल लगाइए हमारा आज का टॉपिक, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला मोर कॉन्सेप्ट के अंदर ये जो है वो कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला जो कॉन्सेप्ट है खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने सुना तो होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं, एक एग्जांपल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, क्लियर। हम जैसे कि बात करते हैं, मेरे पास फॉर्मूला है ब्यूटेन का, फॉर एन एग्जांपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम चालू करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्लियर, आप कोई भी ले सकते हो, ब्यूटेन ले सकते हो, एसिटिक एसिड ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, व्हाटएवर आपको जो भी ठीक लगे, क्लियर। सो हम बात करते हैं ब्यूटेन, सपोज की बात करते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन की बात करते हैं, भाई एन ब्यूटेन, ये तो आप जानते ही होंगे, 10th के अंदर पढ़ चुके हो एन ब्यूटेन। सो उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CH3, CH2, CH2, CH3, क्लियर ना, एंड अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहे, जनरल फॉर्मूला तो हम क्या लिखते हैं, जनरल फॉर्मूला की जगह पे C4, देखिए कार्बन कितने हैं 4, क्लियर ना, C4 H हाइड्रोजन कितने हैं 3, 5 और 5, C4H10 कितना लिखते हैं C4H10, रेडी। तो ये जो है वो क्या है, एक प्रकार का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से मुझे अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना हो, समझना बहुत ईजी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना हो तो यहां देखिए कार्बन के कितने एटम है मेरे पास 4, हाइड्रोजन के कितने एटम है मेरे पास 10, क्लियर। तो 4 एटॉमिक रेशियो कितना हुआ 4:10, उसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करो तो 2:5 हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा, यानी कि इसके डिपेंड पे अगर अब मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो कार्बन कितने हो गए 2, हाइड्रोजन कितने हो गए 5,
C2H5। तो यही ब्यूटेन का यही क्या हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या हो गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब कि किसी भी प्रकार के फॉर्मूला को समझना, किसी भी प्रकार के फॉर्मूला को सिंपल वोल नंबर का जो रेशियो है उससे अगर हम इंडिकेट कर दे किसी भी कंपाउंड के, किसी भी कंपाउंड के एटम को, किसी भी कंपाउंड, ये रहा कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के एटम के रेशियो को सिंपल वॉल नंबर में, जहां तक कट सकता है वहां तक हम कट कर दे और फिर हम उसको लिखे, तो वो क्या बन जाता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब समझ में आ गया होगा, इसलिए एग्जांपल लेके समझाया। ये जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्ब्यूटेन, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन उसके एटम को सिंपलेस्ट सिंपल फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल फॉर्म में, सिंपल माफ कीजिए, उसके जो एटम हमारे पास है उसके नंबर्स को सिंपल वॉल रेशियो में कन्वर्ट, वॉल नंबर के रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या बन जाता है वो, इंपेरिकल फॉर्मूला। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने अभी बात की थी एसिटिक एसिड, लाइक एसिटिक एसिड जो होता है, एसिटिक एसिड जैसे कि मैं एसिटिक एसिड लिखता हूं CH3COOH। क्लियर ना? अब इसके अंदर देखिए कार्बन कितने हैं, कार्बन कार्बन कितने हैं मेरे पास, दो, एक दो। हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास, हाइड्रोजन, कार्बन दो, हाइड्रोजन कितने हैं, चार, और ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास, दो। रेडी ना? क्लियर? अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये तो कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है मेरे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। रेडी? अब इसको मुझे सिंपलेस्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा, सिंपल पार्ट 1 2 1। क्लियर ना? 1 2 से कट कर दो सबको, 1। यानी अब जो वोल रेशियो हो गया वो क्या हो गया, 1:2:1। यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आया, C1H2O1, ये हो गया उसका सिंपल एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर? ये क्या हो गया, सिंपल एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो सेंस है वो आप समझ गए होंगे क्या है। हमें हमें इस टॉपिक के अंदर मेन जो पढ़ना है वो दो बातें पढ़नी है, कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो और उसमें से आपको परसेंटेज परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में जानना हो तो आप क्या करोगे, और अगर उल्टा दिया हो, अगर आपको परसेंटेज परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में बता दिया गया हो और कहा गया हो भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढो, तो आप कैसे ढूंढोगे? क्लियर? क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें एक बार मिल जाएगा तो उसके ऊपर से तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला बना ही पाएंगे। रेडी? इसको लेके हम एक लाइव एग्जांपल भी करने वाले, आप टेंशन मत लीजिए। पर सबसे पहले आप समझ लीजिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टू परसेंटेज कंपोजिशन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, और परसेंटेज कंपोजिशन की मदद से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ये दो बातें हमारे आज के मेन टॉपिक है, ये दोनों चीजें हमें आज पढ़नी है। ठीक है? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे उसमें से। चलिए यहाँ पे थोड़ी जगह है, हम पहला तो यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं। पहला जो हमारे पास है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टू परसेंटेज कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मेरे पास हो और उसमें से मुझे परसेंटेज कंपोजिशन अगर मुझे ढूंढनी है तो किस तरीके से मैं ढूंढूंगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ऊपर से फॉर्मूला के अंदर प्रेजेंट जो एलिमेंट है उसके एटम की जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो किस तरीके से ढूंढी जाती है, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो मेन रहता है। रेडी? एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं वाटर का एग्जांपल लेता हूं, H2O। चलिए वाटर ले लिया मैंने, वाटर मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्म में है। अब वाटर अगर मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्म में है उसमें से मुझे परसेंटेज कंपोजिशन ढूंढनी है, तो एक्चुअल में परसेंटेज कंपोजिशन ऑलवेज उसी की ढूंढी जाती है जो इंडिविजुअल होते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल कौन है, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, ये दोनों की परसेंटेज कंपोजिशन मुझे ढूंढनी है। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, समझिए, बहुत इजी है। परसेंटेज कंपोजिशन मुझे क्या करना है, दोनों का कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं डाइहाइड्रोजन की, मतलब माफ कीजिए हाइड्रोजन की। क्लियर? सो हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन, किसी भी कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब क्या, परसेंटेज, परसेंट, आप क्या लिखो, परसेंट, ये दोनों को अलग करो, पर इन द सेंस, उसके बाद हम लिखते हैं जैसे मीटर पर सेकंड, यानी परसेंट, सेंट इन द सेंस सेंटी, 100 से डिवाइड करना, सॉरी माफ कीजिए, 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा क्योंकि सेंटी है। क्लियर? सो सबसे पहले आप जो भी कैलकुलेट करोगे उसको आपको 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज कंपोजिशन है। अब
किसी की भी कंपोजिशन ढूंढनी हो बाय वेट ढूंढी जाती है कि भाई पूरे कंपाउंड के अंदर, पूरे कंपाउंड के अंदर, पूरे वाटर के अंदर हाइड्रोजन की अमाउंट कितनी, हाइड्रोजन का ग्राम कितना, हाइड्रोजन का वेट कितना। क्लियर? सेम थिंग ऑक्सीजन का जब गिनेंगे वहां पे भी यही चीज करेंगे, पूरे वाटर के अंदर ऑक्सीजन का वेट कितना, ऑक्सीजन का मास कितना। क्लियर? तो हाइड्रोजन का वेट कितना है, वन, वो तो बताया आपको, और वैसे कितने हैं, दो, तो टू वन जार टू डिवाइड बाय टोटल, टोटल वाटर का एटॉमिक मास कीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना होता है वाटर का, मॉलिक्यूलर मास 2 इनटू हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, सो 2 प्लस 16 टोटल हमारे पास आ गया 18 ग्राम पर मोल। क्लियर ना, 18 जो टोटल है 18, रेडी। यानी कि ये हो गया परसेंटेज कंपोजिशन ढूंढने का फॉर्मूला, क्या परसेंटेज कंपोजिशन फॉर्मूला, कंपोजिशन ढूंढने का फॉर्मूला, रेडी, समझ में आई बात, 2 डिवाइड बाय 11 परसेंटेज कंपोजिशन ढूंढने का फॉर्मूला यहां पे मेरे पास आ गया, रेडी। इसको आप कट आउट करोगे तो समथिंग आएगा, 11 पॉइंट समथिंग आएगा, क्लियर, एप्रोक्सीमेटली 11 पॉइंट समथिंग आएगा। नाउ ऑक्सीजन का अगर हम ढूंढेंगे, ऑक्सीजन का अगर हम ढूंढेंगे तो ऑक्सीजन का टोटल तो डिवाइड, हम मैंने क्या बताया कंपोजिशन बाय वेट होती है, वेट पूरे कंपाउंड के वेट में से हाइड्रोजन का वेट कितना, पूरे कंपाउंड के वेट में से ऑक्सीजन का वेट कितना, उसका परसेंट फॉर्म मतलब कीमत कितना है 100, सिंपल, सो मल्टीप्लाई बाय 100 अगर आप करोगे तो वो आएगा 88 पॉइंट समथिंग, कुल मिला के जो आएंगे 100, क्लियर ना, कुल मिला के 100 हो जाएंगे। सो ये दोनों का परसेंटेज कंपोजिशन इस तरीके से ढूंढा जाता है, इस तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन ढूंढा जाता है, समझ में आई बात। एक और एग्जांपल यहां पे मैं लिखता हूं, एक और एग्जांपल यहां पे लिखता हूं, देखिए कि भाई मेरे पास फॉर एग्जांपल हम इसी की बात करते हैं, एसिडिक एसिड की बात करते हैं, भाई मेरे पास CH3COOH है, क्लियर ना, CH3COOH है, ये ले सकते हो आप, कोई दूसरा कंपाउंड भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने ले लिया CH3CH2OH ले सकते हो, क्लियर, कोई भी ले सकते हो, क्लियर। चलिए मैं एसिडिक एसिड से आपको इसकी मदद से, और ये दोनों चीजें आपको एक्चुअल में करनी खुद से ही है, किस तरीके से गिनना है, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं कि CH3COOH की सबसे पहले बात करते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ढूंढिए ऐसा कहा जाए, तो सबसे पहले इसका मास आपको पता होना चाहिए कि भाई कार्बन का, कार्बन कितने, दो, 12 + 3 = 3 + 1 = 24 + 3 = 3 + 1 = 24 + 20 + 2 = 16 + 16 = 32 = 32 और हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन अगर हम हाइड्रोजन की ढूंढ रहे हैं या ऑक्सीजन की ढूंढ रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे तीन है, हमारे पास जैसे यहाँ पे दो थे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, तीन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है, तो हम वो तीनों की ढूंढने की परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है। सेम थिंग हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हमें कार्बन की ढूंढनी पड़ेगी, हाइड्रोजन की ढूंढनी पड़ेगी, ऑक्सीजन की ढूंढनी पड़ेगी, सेम यहाँ पे भी कार्बन की ढूंढनी पड़ेगी, हाइड्रोजन की ढूंढनी पड़ेगी और ऑक्सीजन की ढूंढनी पड़ेगी, क्लियर। ये दोनों बातें आपको छोड़ रहा हूं, ये दोनों बातें, ये दोनों जो है उसका परसेंटेज कंपोजिशन ढूंढिए, क्योंकि वो बहुत ईजी है, पहला टॉपिक जो है बहुत इजी है, ये टॉपिक जो है उसका हमें सम करना है, ये भी बहुत इजी है एक्चुअल में, उतना हार्ड है नहीं, पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टू परसेंटेज कंपोजिशन, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दिया जाए और कहा जाए कि भाई परसेंटेज कंपोजिशन को ढूंढिए तो किस तरीके से ढूंढोगे, वो मेन बात रहेगी, क्लियर, क्या आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दिया जाए और परसेंटेज कंपोजिशन ढूंढने को कहा जाए तो किस तरीके से ढूंढोगे उसकी बात करनी है। अब वो तो हमने यहाँ पे सिखा दिया आपको, ये दोनों आपको करना है, उसका जो आंसर आता है परसेंटेज कंपोजिशन कंपलसरी कमेंट सेक्शन में लिखना है, आपको पता चलेगा, खुद से कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे ये चीज आ गई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आखिरी टॉपिक खत्म करते हैं, कंपोजिशन फॉर्मूला परसेंटेज अगर हमें दिया हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरीके से ढूंढेंगे वो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से परसेंटेज फॉर्म देख लिया, अब बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे ढूंढते हैं, और एक और बात इस टॉपिक के अंदर ऐड करनी है कि वो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो दिया है तो उसके ऊपर से एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे ढूंढते हैं, या तो दो तरीके से बात हो सकती है, या तो आप परसेंटेज कंपोजिशन से पहले आप एम्पिरिकल फॉर्मूला ढूंढ सकते हैं, उसके बाद आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढ सकते हैं, दो तीन तरीके होते हैं, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन रहता है वो, और वो बस कुछ है नहीं, वो जो है जैसे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसके बीच का रिलेशन है, वो रिलेशन हम डिराइव करते हैं, फिर हमको आसानी समझ में आ जाता है कि ये बात कैसे बनी, कि भाई यहां से यहां कैसे, क्लियर। सपोज दैट एक एग्जांपल हम लेके समझते हैं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मेरे पास कार्बन,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन है, जैसे कि कार्बन की मेरे पास परसेंटेज कंपोजिशन है 37.5% कंपोजिशन मेरे पास है, क्लियर। देन आफ्टर मेरे पास हाइड्रोजन की कंपोजिशन है, हाइड्रोजन की मेरे पास कंपोजिशन है 12.5% और ऑक्सीजन की मेरे पास कंपोजिशन है 50%, क्लियर। इतनी मेरे पास परसेंटेज कंपोजिशन है, क्लियर। सो परसेंटेज कंपोजिशन मेरे पास ये तीनों है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन इतनी है। उसके ऊपर से मुझे उसका इंपेरिकल फॉर्मूला ढूंढना है या तो उसका मॉलिक्यूलर मास ढूंढना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इंपेरिकल फॉर्मूला अगर मुझे ढूंढना हो तो इंपेरिकल फॉर्मूला ढूंढने की मेथड बहुत इजी है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढना हो तो उसके लिए आपके पास मॉलिक्यूलर मास का होना जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि एक रिलेशन में आपको डिराइव करवाऊंगा, वो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कि परसेंटेज कंपोजिशन से हम इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे ढूंढेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले जो भी आपको एलिमेंट दिया हुआ है वो एलिमेंट को हम लिख देते हैं कितना परसेंटेज उसका कंपोजिशन है। सिंपल 4-5 स्टेप्स है, वो स्टेप सिर्फ आपको क्या करना है, फॉलो करना है। सबसे पहले कार्बन जो है वो कार्बन की हमारे पास कितना परसेंटेज कंपोजिशन है वो लिख देना है, हाइड्रोजन का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, कितना कितना है हमारे पास 37.5, यहाँ पे मेरे पास कितना है 12.5, यहाँ पे मेरे पास कितना है 50, क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट सॉरी जो स्टेप है हमारा, उसमें क्या करना है, हमें इसका वेट बाय एटॉमिक मास का रेशियो ढूंढना है। जो भी हमारे पास इंडिविजुअल एटम है वो इंडिविजुअल एटम का क्या करना है मुझे, वेट बाय उनका जो एटॉमिक मास है, वेट बाय उनका जो एटॉमिक मास है, मैं ऊपर लिख देता हूं, वेट बाय उसका जो एटॉमिक मास है उसका मुझे क्या करना है, रेशियो ढूंढना है। मतलब कि यहां पे 37.5 उसका जो परसेंटेज फॉर्म है बराबर, जो उसका वेट इन द सेंस वो कितना है 37.7 डिवाइड बाय उसका जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक मास है कार्बन का 12, वैसे यहां पे कितना है 12.5 डिवाइड बाय हाइड्रोजन का कितना है मास 1, सेम यहां पे कितना है 50 डिवाइड बाय ऑक्सीजन का कितना है 16, क्लियर। मतलब वेट बाय एटॉमिक मास, सबका एटॉमिक मास हमें नीचे लिखना है, क्लियर। और उसके बाद हम कोई भी फॉर्मूला को दिखाते हैं तो वो फॉर्मूला को हम सिंपल और वॉल नंबर में दिखाते हैं, पूरे नंबर में दिखाते हैं। आपने कभी ऐसा देखा सी, जैसे कि हम लिखते थे फॉर्मूला में लिखा था भाई CH3CH2OH, तो हमने 2 और 3 परफेक्ट लिखा था, हम ऐसा लिखते CH2.5 CH3.6 में लिखते, क्यों, क्योंकि वो परफेक्ट वॉल नंबर होता है। तो वैसे हमें इसको क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट वॉल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूं, 12 से कट करो समथिंग आएगा 3 point something, जैसे कि 3.125 फॉर एग्जांपल, एप्रोक्सीमेटली सॉरी ये तो परफेक्ट आएगा 3.125, ये तो क्या रहेगा 12.5, उसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। ये भी 16 3 point something आएगा, ये भी उसको भी वही ले लेते हैं 3.125, क्लियर। ये तीनों चीज समझ लीजिए, ये तीनों मेरे पास जो आई वो हमारे पास सिंपल फॉर्म में वॉल नंबर में है नहीं, वो कौन से फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में, उसको सिंपल फॉर्म में लिख दो अप्रोक्सीमेटली, जो सिंपल फॉर्म होता है हमारा वो, यहाँ पे कितना है सिंपल फॉर्म 3, यहाँ पे कितना है 12, यहाँ पे कितना है 3। अब यहाँ पे दो चीज हो सकती है, बीच में एक चीज ये हो सकती है कि ये जो तीन नंबर हमारे पास है उस तीनों को सबसे पहले इन तीनों में से जो सबसे कम है उससे डिवाइड कर दो, क्या कर दो उससे डिवाइड कर दो, तब जाके आपको नॉर्मल इंपेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा, क्लियर, बहुत सिंपल होल नंबर मिल जाएगा। या तो आपने जो ये कन्वर्ट कर दिया उसके बाद भी कर सकते हो, सबसे पहले तीन, ये तीनों में सबसे कम कौन है 3, तो मैं उसको 3 से कन्वर्ट कर रहा हूं क्योंकि मैंने अप्रोक्स तो पहले भी लिख दिया है। सो 1 4 1, यानी कि मुझे वो नंबर मिल गया 1 4 and 1, सिंपल होल रेशियो मेरा मिल गया, कितना आ गया मेरा होल रेशियो सिंपल 1:4:1 और ये किसका है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, ये रहा कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला जनरेट हो गया। क्या हो गया मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला मेरा जनरेट हो गया, क्या इंपेरिकल फॉर्मूला आया मेरा C1H4O1, ये क्या आ गया मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला। फिर से एक बार देख लीजिए इंपेरिकल फॉर्मूला के जो नॉर्मल स्टेप्स है, क्या स्टेप्स, आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया होगा, परसेंटेज कंपोजिशन के ऊपर से आप लोग इंपेरिकल फॉर्मूला ढूंढ सकते हो। परसेंटेज कंपोजिशन के ऊपर से आपको इंपेरिकल फॉर्मूला ढूंढने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो जो उनका परसेंटेज कंपोजिशन है उसको लिख देते हैं, देन आफ्टर वेट बाय एटॉमिक मास का हमें रेशियो लेना पड़ेगा। तो जो भी पर्टिकुलर एटम हमें दिए हुए हैं उसका एटॉमिक मास उससे हमें क्या कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे,
फिर ये तीन को हम परफेक्टली गॉड नंबर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस तीनों में से जो सबसे कम है ये सम आता है, ये एक्चुअल में पूरा सम है, ये एक पूरा सम है, उसमें मैं थोड़ा डेटा ऐड करूंगा थोड़ी देर बाद, क्लियर। सो 3.125 हमें मिल गया, उसके बाद मैंने उसको वॉल नंबर में कन्वर्ट कर दिया, इन तीनों में जो सबसे कम था उससे मैंने उसको डिवाइड कर दिया, तो मुझे तीन परफेक्ट वॉल नंबर मिल गए। अब ये जो तीन परफेक्ट वॉल नंबर है वो किसके थे, मेरे कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, तो उसके ऊपर से मुझे उसका क्या मिल गया, एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया। क्या मिल गया मुझे उसके ऊपर से, उसका एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया। अब यही सम के अंदर अगर ऐसा बता दिया जाता, यही सम के अंदर कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज 64 ग्राम पर मोल, 64 ग्राम पर मोल ऐसा बता दिया जाता, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज 64 ग्राम पर मोल। तो उसके लिए मैंने आपको जो बताया ना अभी कि आपको एक चीज में सिखाऊंगा कि जो नॉर्मली आपको डेरिवेटिव सीखने हैं वो क्या है, कि आपने एक चीज सीखी कि भाई एम्पिरिकल फार्मूला मतलब क्या था, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को सिंपल वोल रेशियो में कन्वर्ट करो, मॉलिक्यूलर फार्मूला को सिंपल वोल रेशियो में कन्वर्ट करो। तो उसके लिए मैं एक फैक्टर बोल देता हूं, एन कह देता हूं, एन एक फैक्टर है जो क्या करता है, मॉलिक्यूलर मास को, एम्पिरिकल फार्मूला मास से, डिवाइड करता है, सही है ना, क्योंकि हमने क्या कहा था, जो एटॉमिक हमारे पास रेशियो होता है उसको सिंपल वॉल नंबर में कन्वर्ट करना होता है। तो जो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर है तो मैं क्या करूं, सबसे पहले मैं क्या करूं, उस एम्पिरिकल फॉर्मूला के ऊपर से उस एम्पिरिकल फॉर्मूला का मैं मास ढूंढ लेता हूं, फिर उसको मैं मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दूंगा जो भी कंपाउंड होगा उसका, तो वो मुझे नंबर, प्रॉपर एक नंबर, ऐसा वॉल नंबर मिल जाएगा जिससे एक्चुअल में पहले मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इंपेरिकल में जा रहा था कटआउट करके, अब मैं इंपेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जाऊंगा मल्टीप्लाई करके, सिंपल। कैसे, सबसे पहले मैं इंपेरिकल फॉर्मूला मास ढूंढ लेता हूं, मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ रहा है, C1H4O1 क्या आया है, C1H4O1, चलिए इसका ढूंढ लेते हैं, 12 प्लस 4 प्लस 16 ग्राम पर इक्विवेलेंट। अब इसका फिलहाल हम नहीं लिखते, यूनिट जान लीजिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास एक प्रकार का, वो ग्राम ही लिखेंगे, क्लियर। चलिए ये आ गया मेरे पास 32। अब इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना दिया है आपको, 64 ग्राम पर मोल, ये भी ग्राम पर मोल में ही होगा, ये भी ग्राम पर मोल में ही होगा, ध्यान रखना क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला का ही मास है, तो ये कितना आया है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 32 कट होगी, कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइंट में आंसर आता है तो उसको हमें सिंपल वॉल नंबर में कन्वर्ट कर देना है, रेडी। तो ये 2 एक ऐसा वॉल नंबर आया, 2 ये जो है, ये 2 जो है वो एक ऐसा वॉल नंबर मेरे पास आया जो क्या करेगा, मेरे एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीपल करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करेगा, क्या करेगा, मेरे एम्पिरिकल फॉर्मूला को ये नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देगा। कैसे, देखिए मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था मेरे पास, C1H4O1। अब इस हरेक को मैं किससे मल्टीपल कर दूं, 2 से, किससे मल्टीपल कर दूं, 2 से, क्लियर, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास इज इक्वल टू n है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला 2 हो जाएगा, यानी एम्पिरिकल फार्मूला को 2 से मल्टीपल कर दो, क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा, C2H8O2, ये हो गया क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये हो गया क्या एम्पिरिकल फार्मूला, क्या हो गया एम्पिरिकल फार्मूला, समझ में आई बात, रेडी। तो हमें एम्पिरिकल फार्मूला ढूंढना हो तो हम इस तरीके से ढूंढ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन परसेंटेज कंपोजिशन, और उसी एम्पिरिकल फार्मूला के ऊपर से आपको मॉलिक्यूलर मास ढूंढना है तो भी आप ढूंढ सकते हो। दूसरी बात, परसेंटेज कंपोजिशन से आपको सीधा मॉलिक्यूलर मास ढूंढना हो तो, माफ कीजिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला ढूंढना हो तो आपको ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले एन फैक्टर, एन फैक्टर के लिए आपको ये परसेंटेज कंपोजिशन जिस किसी की भी दी है उसका आपको वेट भी साथ में दे देंगे, मतलब कि उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी साथ में दे देंगे, जैसे मैंने डेटा ऐड किया ये डेटा आपको साथ में ही दे देंगे, तो आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो इस डेरिवेशन से, क्लियर, इससे आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। ये ध्यान रखिएगा, जो n है, जो n, वो n मेरा क्या है, एक ऐसा फैक्टर है जो मुझे इन दोनों का रेशियो दे रहा है, क्या दे रहा है, इन दोनों का रेशियो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास का रेशियो, एक्चुअल में वही था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो था मेरा वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ऊपर से ही तो मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला में जाता था कट करके डिवाइड करके, ये सीधा मल्टीपल होके आ गया, सिंपल, ये तो वही।
अब इसको आपको चेकआउट करना है कि मेरा आंसर राइट है कि नहीं है, तो आप उसको चेकआउट भी कर सकते हो। कैसे? देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास ढूंढ लो। देखो 12 + 8 = 16 + 32, ऑक्सीजन का 16 + 32, इसका टोटल कर लीजिए, हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है वो सीधा आ जाना चाहिए, सॉरी 12 है 24, क्लियर। इनका टोटल जो है वो 64 आना चाहिए, आ जाएगी 64 टोटल आ जाएगा इसका, आराम से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूलर मास है वो इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का ही तो मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर मास होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला का एम्पिरिकल मास होता है, क्लियर, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास होता है। तो इसका टोटल 64 आ गया, मतलब कि हम राइट है, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी राइट है, हमने जो एम्पिरिकल फॉर्मूला गिना वो भी राइट है, उसका जो फॉर्मूला मास गिना वो भी राइट है, समझ गई बात। तो इस तरीके से एम्पिरिकल फॉर्मूला को आपको लिखना है, इस तरीके से एम्पिरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मूल कॉन्सेप्ट के अंदर ये बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी, ध्यान रखना, ये जो है बेसिक है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी। जब हम स्टोइकोमेट आगे जब जाएंगे, जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन पढ़ेंगे, वहां पे ये सारी बातों का बहुत ज्यादा यूज आएगा, ठीक है। सारी बातों को अच्छे तरीके से नोट्स बनाइएगा खुद से प्रॉपरली, जितने लेक्चर हम मूल कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं वो सारी बातों को एक एक बार देख लीजिएगा। जब भी कभी लेक्चर पढ़ रहे हो आप तो उसके प्रीवियस लेक्चर को एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ये लेक्चर चालू कीजिएगा, ठीक है। सारी बातों को नोट्स बनाना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि पूरा मूल कॉन्सेप्ट मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पे लेके आने वाला हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, टिल देन थैंक्स अ लॉट।